हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। हमसे पूछा गया नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट हम इसको फाई सेट भी बोलते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि हम सिर्फ सेट का साइन बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर खाली छोड़ देते हैं। नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू, ऑड नंबर्स कभी भी टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट डिविजिबल बाय टू। दैट्स व्हाई इसका जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा? फाइव बनेगा, ठीक है, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। तो क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट? तो यस, इट इज ए नल सेट, यस इट इज अ नल सेट, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर में इवन नंबर जो होता है वो होता है टू। ओनली वन नंबर इज इवन प्राइम नंबर, दैट इज टू। सो इट इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, नॉट अ नल सेट, क्लियर। नल सेट तब होता है जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, इट इज एन एम्प्टी सेट, इट इज ए नल सेट, इट इज अ नल सेट। रीजन, बिकॉज जो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है, देयर इज नो नंबर, नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि सेम नंबर 5 से छोटा हो जाए और 7 से बड़ा हो जाए, ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं है ना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, Y such that Y is a point common on any two parallel lines. दो parallel lines हमें given है और उनके बीच में कोई एक common point। क्या parallel lines में कोई common point होता है? नहीं, parallel lines कभी intersect करती ही नहीं है, तो उनमें common point हो ही नहीं सकता। So it is a null set. क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि फाइनाइट क्या होते हैं और इनफाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जो कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट्स जो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो फाइनाइट सेट होते हैं। और जो इनफाइनाइट सेट होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। अब आता है फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। यस, इट इज ए फाइनाइट, बिकॉज हमें पता है कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, वही होंगे। ऐसा नहीं है कि 12 की जगह अनलिमिटेड मंथ्स हो जाएंगे, नो। So it is finite set, clear. Second part, 1, 2, 3 and dash dash dash. This is the set of natural number. So इनकी कोई limit नहीं है. These are infinite set. ठीक है, clear. Third part, 1, 2, 3 dash 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 99, 100.
तो ये एक सेट है 1 से लेके 100 नंबर्स का, ठीक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज फाइनाइट सेट, क्लियर। नेक्स्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से ग्रेटर 101, 102, 103 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हमारा ये सेट जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स का सेट, तो नेचुरली प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज द फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इनका एक सेट बना सकते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ठीक है, 13 होता है, 17 होता है, और इस तरीके से 99 से छोटा जो होता है वो होता है हमारा 97, मतलब ये हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नेचुरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में हमें पता है कि कितने नंबर होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसका हमें पता है कि कितने नंबर्स होते हैं, तो दिस इज फाइनाइट सेट, क्लियर। देन सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का सेट, 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स जो आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, ठीक है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, क्लियर। देन फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, देखो जो हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स है अर्थ पर वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट दे आर फाइनाइट, अगर हम चाहें तो हम उन्हें, ठीक है, बट दे आर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते उनको हम, तो इसलिए दिस इज द फाइनाइट सेट, क्लियर। देन फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन 00 से पास होने वाले कितने सर्कल्स बना सकते हैं, दीज आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, हाउ, ये अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि 00 है, ठीक है,
तो इससे पास होने वाले हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं भाई। देखो इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे बनाते चले जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बनते चले जाएंगे अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसलिए दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, यह हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। इक्वल सेट्स क्या होते थे, इक्वल सेट्स वो होते थे जिनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स होते हैं बट उनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होने चाहिए, क्लियर, वो इक्वल सेट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, दैट्स व्हाई इट इज द इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, क्लियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड बी इज इक्वल टू 8, 4, 16, 18। देखो 4 है दोनों में, 8 भी है दोनों में, यहां 12 है बट यहां पर 12 नहीं है, ठीक है, सो दे आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज, देखो जो 12 है विच बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड सिमिलरली 18 बी में है, ए में नहीं है, 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमें पहले बी के सेट को देखना होगा कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो बी के अंदर आ गए 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है, ये हमारा बी सेट हो गया, ये हमारा ए सेट है, दोनों के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, बोथ आर इक्वल सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो ए को हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 10 का मल्टीपल, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखो ये ए का सेट आ गया और बी के सेट में हमारे 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, ठीक है, 10 और 5 दोनों के मल्टीपल्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, बिकॉज 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, ए इज इक्वल टू
2 and 3 and b is equal to x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे. तो x square plus 5x plus 6 is equal to 0. इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे x square x plus 3 और x plus 2, ठीक है. बहुत ज्यादा स्टेप्स दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की है. इससे हमारी जो x की वैल्यू आ गई -3 और -2 आ गई, ठीक है. इस तरीके से जो हमारा b का सेट बन गया, b का सेट दैट इज इक्वल टू -2 एंड -3, ठीक है, ये हमारा सेट बन गया. और a हमारे पास क्या था, 2 एंड 3, ठीक है. तो दे आर नॉट इक्वल सेट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी. समझ में आ गया ना, दोनों में सेट्स अलग अलग हैं, जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं. क्लियर. सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो एंड बी इज इक्वल टू वाई, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ वुल्फ, ठीक है. सेट्स बनाते हैं, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके सारे लेटर्स हमें सिंगल टाइम लिखने हैं, तो एफ ओ एल एंड डब्ल्यू, ये हमारा ए आ गया. और बी हमारा क्या आ गया, वो हो गए W, O, L एंड F, ठीक है. तो देखो दोनों के अंदर, दोनों ही सेट्स में हमारे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है. सो A इज इक्वल टू B, ये इक्वल सेट है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स. हमें बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं और इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है. ए इज इक्वल टू गिवन है 2, 4, 8, 12, बी इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3, 4, सी इज इक्वल टू गिवन है 4, 8, 12, 14 एंड डी इज इक्वल टू गिवन है 3, 1, 4, 2, ई इज इक्वल टू -1, 1, एफ इज इक्वल टू 0, ए, जी इज इक्वल टू 1, -1 और एच इज इक्वल टू 0, 1. तो इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से सेम हैं, ठीक है. तो देखो जो हमारा एक बी और डी, बी और डी दोनों आपस में सेम हैं, बी इज इक्वल टू डी, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो ये इक्वल सेट हो गया, ठीक है. और हमारा ई और जी ये भी आपस में इक्वल है, ई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 1 एंड -1, तो ये भी हमारे इक्वल सेट्स हो गई. आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. ऑल द बेस्ट.